वेलकम टू आवर चैनल। और आज की हम वीडियो में लेकर के आए हैं टूथ पेन, मतलब जो दांतों में दर्द होता है कि उससे हम कैसे रिलीफ कर सकते हैं होम रेमेडीज़ के बेसिस पर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड ऑफ रेमेडीज़ के साथ शेयर करें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं टूथ पेन, टीथ पेन का। जैसे कि दांत का दर्द होता है ज्यादा, तो आप देखेंगे कि दांत में कभी कभी कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से भी दांत में पेन होता है, वो हमारे पूरे टीथ को खोखला कर देता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इजीली आपके घर में ही फिटगिरी रहता है तो फिटगिरी को आप इजीली पीस सकते हैं। पीसने के बाद एक पाउडर बना लीजिए, उसको 1/4 टीस्पून आपका फिटगिरी, 1/4 टीस्पून आपका रॉक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक भी बोलते हैं, उसको आप एक ग्लास पानी में डाल करके गैगलिंग मतलब कुल्ला करें और उसके बाद उसको स्प्लिट मतलब थूक दें। तो ये आपको 10 से 20 सेकंड के लिए ही रखना है मुंह में, इससे आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर आपके टीथ में कोई भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है तो आप फिटगिरी के साथ में सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उन दोनों को मिक्स करके आप जहाँ पर पेन हो रहा है वहाँ पर रखें और जो भी मुंह में पानी आ रहा है उसको आप स्प्लिट कर दें। तो ऐसा आप 10 मिनट तक कर सकते हैं। बाकी अगर आप नाइट में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप पैरासीटामोल भी ले सकते हैं, तो वो जहाँ पर भी पेन होता है पेन में रिलीफ करता है, अगर आप 18 प्लस हैं। बाकी का आप क्लोव ऑयल आता है, लौंग का तेल, वो भी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टीथ के पेन में। बाकी आप थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी लें, उससे वही नमक डाल करके गैगलिंग करें और उसके बाद में स्प्लिट कर दें 10-20 सेकंड। वापस लौट के आओ, नहीं से कर सकते, दोबारा वापस लौट के आओ, ज़्यादा बेटर रिलीफ मिलता है। बाकी का अगर आप दोबारा लौट गया की वजह से देखो कितना अच्छा था, इस पर हल्का सा सूजन आ गया टीथ की साइड में, तो आप आइस एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, कॉटन के कपड़े में आइस लें और उसको बाहर की साइड से रब करें, तो उससे भी आपकी टीथ में आपको बेनिफिट मिलेगा और कोई सूजन भी नहीं रहेगी आपकी टीथ में। बाकी आप चाहें तो अगर आपको सोने के टाइम में होता है तो आप एक एक्स्ट्रा पिलो लेकर के सोएं, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो और आपके टीथ में बहुत ज़्यादा पेन ना हो। और आप एक साइड में सो सकते हैं, जिस साइड में आपका पेन है उससे अदर साइड में सोएं, खाना भी उसी तरीके से खाएं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा होगा। बहुत सारी लोगों की क्वेरीज थी कि टीथ पेन अगर सडनली से होने लगता है तो हम क्या करें, ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर नाइट के टाइम में जब कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या होम रेमेडीज़ के साथ में हेल्प ले सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड फैमिली कैसे करती है, और हमारे चैनल में कमेंट करें। नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस और लाते रहेंगे, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी और आप बाकी के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है, अगर आप सेपरेटली कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हेल्थ की रिलेटेड आप कुछ क्वेरीज भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद करो।